बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कि असल में जो हम बता रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है क्या, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, जिसको हम जानने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि यार ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक डिफरेंस बयान करेंगे और यूकैरियोटिक सेल पर उन पर थोड़ा बात करेंगे कि क्या क्या है। द लेग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस मटेरियल इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं ना, या न्यूक्लियस होता है, वो उस पर मेम्ब्रेन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल है, उस पर मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन जब यूकैरियोट की बात आती है यूकैरियोटिक सेल की, उस पर जो न्यूक्लियस है या अदर में ऑर्गेनेल है, उस पर डबल मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। मैंने कहा कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो, यानी मेम्ब्रेन उन्होंने ये जितने भी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन ने बांध रखा हो, वो ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल की बात आती है, उसमें जितने भी ऑर्गेनेल है वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। पहले में एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। राइबोसोम आर स्मॉलर इन साइज। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना, ये स्मॉलर होता है, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम लार्जर होता है। एक में सिल्वर क्या होता है, ये पेप्टी डायग्लाइकेन से बनाया, और दूसरे में सेलोज या सिचिन से बना होता है। और स्मॉलर इन साइज का कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज। एग्जाम्पल है इसके बैक्टीरिया, सायानो बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है, एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। हमने डिस्कस किया कि राइबोसोम आर लार्ज इन साइज एंड एक होता है कि ऑल सेल ऑर्गेनिज्म। मैं अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ, ऑल ऑर्गेनिज्म सीम्स टू फॉल इन टू नेचुरल ग्रुप्स। हमने जितने भी जानदार है, हमने उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी डिवाइड किया है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक। दीज आर टू ग्रुप्स एंड फंडामेंटली डिफरेंट। ये दो डिफरेंट और अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये दो डिफरेंट और अलग अलग ग्रुप्स हैं। और फिर डिफरेंट हमने डिफरेंशिएट है, यानी डिफरेंशिएट भी किया कि फलाने के अंदर ये है और फलाने के अंदर ये है। यानी अगर कुल मिला के हमने इस वीडियो में बात की है, वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस। फिर हमने एक नई, दो नई, तीन, चार चार, पांच पांच क्या होता है डिफरेंस बयान की। फिर फर्दर मैंने एग्जांपल भी बयान किया कि यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल कौन सा है। मैंने कहा कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। फिर फर्दर मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, जैसे कि प्लांट फंजाई, प्लांट और एनिमल, प्रोटिस्टा की जितने इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, ये सब क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और दूसरे जो है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो आज के लिए यही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।